हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैंने ये बनाया है ये आप सब ने बहुत अच्छे से सभी ने खाया होगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, खाने में इसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसमें मैंने एक गिलास पानी और मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है, यानी कि आप बूरा भी इसे बोल सकते हो, और दो लेमन यानी कि नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इसे अच्छे से करना है ताकि जो हमने बूरा डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर बेसन लिया है और उसी कटोरी में आधी कटोरी मैंने सूजी लिया है और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें इसे बहुत अच्छे से करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथली पेस्ट बनना चाहिए इसका। तो देखो कितने अच्छे से, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूड कलर नहीं डाला, मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली है कलर के लिए। और देखो हमारा जो पेस्ट है वो कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। दूसरी साइड हम इसकी जो मिर्चें होती हैं वो और पानी होता है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने, मेरे को बड़ी साइज़ की मिर्चें नहीं मिली, बड़ी साइज़ की मिर्चें इसके साथ बहुत टेस्टी लगती, मैंने दो तीन जगह देखा नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पर ये पतली हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसी में थोड़ा सा तेल बच गया था तो उसी तेल में मैंने ये यहाँ पे इसमें राई डाल दी है और थोड़े से मैंने एक कड़ी पत्ता लिए हैं वो डाल दिए हैं इसमें और अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें दो गिलास पानी मैंने डाला था क्योंकि जो मेरा पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि ये खट्टा मीठा बनता है तभी इसका टेस्ट अच्छे से आता है, तो इसलिए चीनी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाली है। और अब इसमें बॉईल आ गया है, थोड़े से बॉईल आने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और यहाँ पे अच्छे से बन चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी, जो नींबू का रस है वो हमें गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ही इसमें डालना चाहिए, गैस के ऊपर हमें नींबू नहीं डालना चाहिए। और हमारा ये बनके तैयार है। दूसरी साइड अब हम अपना पेस्ट देख लेते हैं। पेस्ट को हम थोड़ा सा एक बार और मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना हम इडली स्टैंड में डालेंगे उतना मैंने अलग से थोड़ा सा इसमें ले लिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें इनो डाल रही हूँ। इनो से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेंगी, तो यहाँ पे इनो डालने के बाद हमें एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से घुमाना है, हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, नहीं तो जो हमारी इडली है वो इडली ढोकला है वो फूलेगा नहीं। देखो कितने अच्छे से फूल गया और अब हम इसको इडली स्टैंड में डालेंगे। इडली स्टैंड में पहले मैंने थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लिया था और उसके बाद मैंने सारी इडली इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से टाइट से हमें बंद करना है और दूसरी साइड मैंने गैस पे पहले से ही पानी रख दिया था ताकि जो हमारी इडली ढोकला है उनको हम अच्छे से स्टीम कर सकें। तो कुकर में मैंने इनको स्टीम किया है, हमारी जो इडली ढोकला है वो अच्छे से स्टीम हो गई है। इनको अब हम अच्छे से निकाल लेंगे। ये इडली ढोकला ये सबका बहुत ही फेवरेट होता है क्योंकि खाने में लाजवाब होता है और इसमें बनाने में टाइम भी नहीं लगता, ये बहुत आसानी से और इजीली बन जाता है। इसको घर पर हम बना सकते हैं और बच्चे भी इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। हमारी सारी इडली ढोकला बन चुके हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये प्लेटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर जो हमने पानी बनाया था खट्टा मीठा वो इसमें ऊपर से डाल देंगे तभी इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। और जो हमने मिर्ची फ्राई की थी वो इसके ऊपर रख देंगे और मिर्चों के साथ इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है, आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी खिलाएं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें कोई ऐसा मैदा वगैरह का हम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें सूजी और बेसन होता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चों का रोज़ रोज़ रोटी खाने का मन ना हो तो आप ये ज़रूर बनाएं।